ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं किसी डॉट पर था तो बहुत सारे यानी अफसोस का इजहार हो रहा था, चाहे मैं कहाँ पहुँच गया। दरअसल मसला यही से शुरू होता है कि बोलते हैं कि मसले तो सबको सामने हैं, अगर हल इसके क्या हल ये है कि जब तक हम अच्छे इंसान नहीं पैदा करेंगे तब तक किसी चीज़ का कोई हल नहीं। अच्छे इंसान पैदा करने किसके ऊपर वलीन तो वालदैन की होती है, दूसरे जो है उस्ताद की होती है। तो हमें एज यूनिवर्सिटी टीचर्स हम लोग जो सारे जो लीडरशिप है उसको ट्रेनिंग हमारे हाथ में, अगर हम उसको सही ट्रेन करेंगे फॉर्म से घट जाएगी, गलत ट्रेनिंग देंगे घट जाएगी। और एक ये बहुत बड़ा धोखा होता है कि इंसान जो है वो दूर देखता है कि अच्छा चाइना कैसे बनेंगे, तो अपना अगला कदम नहीं देखता। दरअसल जो मसला है वो ये है कि इस वक्त इस लम्हा मेरे हाथ में क्या है उसको मैं कर जाऊँ, तो फिर अगर इस लम्हा मैंने स्टेप सही रख के उठाया तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अगर इस लम्हे मैं नहीं देख रहा हूँ कि अरे हाय क्या हो गया मातम, तो फिर जो है वो जो काम जो है जो आजकल जो मिजाज और जहनीत बन रही है हाय ये हो गया हाय क्या हो गया, उससे फिर वो जो हम लोग इस वक्त कर सकते हैं वो ही नहीं मिल रहा। तो ये बहुत बड़ा धोखा है। मशहूर शेख सादिक जी हिदायत है जिसको कई पावलों को जो हिस्सा जिसका हवाला दिया था उसमें हमने बताया कि सारी दुनिया खजाने ढूंढने के लिए जाता है और आखिर में पता चलता है कि उसके घर ही के अंदर है। यही हमारा भी मामला है। इस वक्त हम लोग ये सोच रहे हैं कि चाइना को कैसे इमिटेट करें और लंदन को कैसे इमिटेट करें, खजाना है वो हमारे घर में पड़ा है। जब तक हम उसको वैसी जगह ढूंढेंगे जहाँ वो मौजूद नहीं है हासिल नहीं हो सकता। तो मौजूद हमारे टीचर कैसे बना जाए, बात यही है कि सबसे पहले मालूम कौन है, अल्लाह ताला खुद। अल्लाह ताला कहते हैं अपना तारुफ करवा रहे हैं बारे बरा में बैठे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तलाश में है, मेरा रब कौन है, कायनात कैसे बनी, सारे क्योंकि वो वहीं से पहले का मामला है, कुछ पता नहीं है, तलाश में है, जस्तजू में है, बाल हरा में बैठे हैं। अल्लाह ताला वही भेजते हैं, अल्लाह ताला अपना तारीफ कर रहे हैं। पहले तो कुछ अहकाम है अपना कुदरत बता रहे हैं कैसे बने इंसान, अल्लाह मल इंसान मादर जाएगी। अल्लाह ताला की तारीफ बयान करो कि अल्लाह ताला अपनी सिफत बयान करें मैं कौन हूँ। तो अल्लाह ताला के हजारों नाम है, कहते हैं अल्लाह ताला कुरानी में कि समंदर को रोशनाई बना दें और लिखना शुरू करें तो वो ख़त्म हो जाएगा और रिकॉर्ड उसके बराबर को ख़त्म हो जाएगा, मगर अल्लाह ताला की सिफात दी। तो इसी तरह से भी कर सकते हैं, वो कह रहे हैं कि मैं वो ज़ात हूँ जो इंसान को वो इल्म दिया क्योंकि उसके पास नहीं था, मैं अपने आप को मुअल्लिम के तौर पर इंट्रोड्यूस कर पाया। उसके बाद फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। तो उनके इल्म की ज़रा खसूसियत देखें, सिफत देखें कि वो कौम जो उस वक्त दुनिया की सबसे बैकवर्ड्स कौन थी। और हम लोगों के जहन में गलत तस्वीर पैदा हो गया है कि सब लोग प्रिमिटिव थे, सब बैकवर्ड थे, ऐसा नहीं है। बल्कि चीन जो है वो रोम फारस उनके पास बड़ी बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी थी। मिस्र के जो अहराम है उसकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि आज भी इंजीनियर्स हैरान है कि उन्होंने ये कैसे कर लिया। ये एक आर्टिकल आया था कि मैंने देखा था चंद साल पहले कि ये जो दो स्टोन्स हैं एक दूसरे के ऊपर रखे हैं ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम एंगल से कट हैं ताकि वो स्लोप मैच कर जाए,
क्योंकि आज हम लेज़र टेक्नोलॉजी से ये काम कर सकते हैं, हमें आज भी नहीं पता कि लेज़र के बगैर इसको इतना एक्यूरेट कैसे काटा जा सकता है, यानी इतनी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी। और अरब सहरा के बंदू कुछ भी नहीं जानते थे ऊँटों पर चलना, और बिल्कुल यानी जिसको कहते हैं कि मोस्ट बैकवर्ड्स। वो जो इल्म जो अल्लाह ताला ने इंसान को दिया उससे ये लोग दुनिया के लीडर्स बन गए, और बहुत जल्द। और इन्होंने यानी 1000 साल तक ऐसा एक सिविलाइजेशन कायम किया जिसने सारी दुनिया को अपनी फायदा पहुंचाया। और ये जो यूरोपियंस की डार्क एजेस खत्म हुई, ये कैसे खत्म हुई? ये भी कुरान का नूर था, बतलाते नहीं हिस्ट्री में, स्टोलन हिस्ट्री और थेफ्ट ऑफ हिस्ट्री, मगर इसमें यानी कोई शक नहीं, कोई कलाम नहीं। 100 साल तक यूरोप में अरबी जबान में किताबें पढ़ाई गई हैं सारे उन्होंने, मगर उन्होंने ये चालाकी ये की, और इसकी भी वजूहत है लंबी चौड़ी जो इस वक्त मेरा जाने का मकसद नहीं, कि उन्होंने कहा कि हमने जो है वो अफलातून और अरिस्तो से अपना इल्म हासिल किया, और जो अफलातून अरिस्तो उनके पास तो था ही नहीं, भारत उनके पास अरब तर्जुमा था, जो अफलातून अरिस्तो उन तक पहुंचा है वो सब अरबों के जरिए से पहुंचा, मुसलमानों के जरिए से पहुंचा। तो बहरहाल ये फरूई बात है, मगर इसकी कुछ अहमियत है कि जो इस वक्त जितना भी नूर है, जितना भी इल्म है, वो सब की जो जड़ है वो कुरान है। अभी किताब निकली है जेफरसन कुरान, जिसमें उन्होंने बतलाया कि कैसे यानी जेफरसन ने यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, उसमें जो जो बातें हैं जो कि अच्छी हैं यानी वो उसने कुरान से ली, और उसने सबसे सबसे लड़ाई लड़ी, यानी जो उनके पुरानी कदीमी रवायात थी यूरोप की उनके खिलाफ उसने एक नया तरीका निकाला। और वो उसने कहाँ से सीखा? उसने कुरान से सीखा। ये सारी बातें छुप छुप के छुपा दी गई हैं, इसलिए हमें अपने अपनी कदीम रवायत की कदर है। तो सवाल ये है कैसे वो काम कर सकते हैं जिसकी हमें जिम्मेदारी दी गई है कि वो टीचर्स बन के स्टूडेंट्स के अंदर वो रोशनी इल्म की, वो नूर, वो तलब पैदा कर दें जिससे वो दुनिया के लीडर्स बन जाए, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, करके दिखाया। तो इस रास्ते में हमारे अपने अच्छा टीचर बनने में बहुत सारी रुकावटें, सबसे पहली रुकावट ये अपने ऊपर एक एतमाद की कमी है। मैं तो खुद छोटा सा आदमी हूँ, मैंने तो थोड़ी सी रिसर्च की है, मेरी रैंकिंग जो एजुकेशन थी तो मैं गोल्ड मेडल स्टूडेंट नहीं था, या अगर था भी तो भी बहुत सारे और हैं, तो इसका बहुत सारे हल हैं जिसको हम लोग देखेंगे। मगर इस फिलहाल इतनी सी बात काफ़ी है कि जो तारीख में देखते हैं तो जो बेस्ट टीचर्स हैं वो नहीं हुए हैं जिनके पास एक्सपर्ट नॉलेज हो, क्योंकि सबसे बेस्ट टीचर और ये आप नहीं, माँ होती है, माँ के पास कोई नॉलेज नहीं होती है, मगर वो बच्चे को इंस्पायर कर देती है, उसको मोटिवेट कर, उसके जो साइंटिफिक रिसर्च से ये बात साबित होती है कि जो सबसे कीमती चीज़ मिलती है वो माँ का कॉन्फिडेंस होता है कि तुम बड़े होके हीरो बन सकते हो। बस यही एक बात, ये माँ का जो एतमाद होता है ना बच्चे में कि तुम हमारे अंदर लामहदूद कैपेबिलिटीज़ हैं, ये उस बच्चे को मोटिवेट करता है। उसको कुछ पढ़ाना नहीं होता है, उसके अंदर बच्चे के अंदर खुद ही वो मादा मौजूद है, उसको इनकरेजमेंट चाहिए होता है। तो इसलिए यानी हमारा सब्जेक्ट का ना जानना, एक्सपर्ट ना होना, ये कोई ऑब्स्टिकल नहीं है ग्रेट टीचर बनने। और अक्सर ऐसा भी होता है, अपनी जाती तजुर्बे से कह सकता हूँ, कि जो बेस्ट टीचर होते हैं बहुत अक्खड़ और रूड होते हैं, और वो उनका एटीट्यूड बहुत ख़राब होता है स्टूडेंट्स के खिलाफ, वो समझते हैं कि किसी को कुछ नहीं आता है, फिर उससे सीखना और पढ़ना मुश्किल होता है। तो एक दूसरी बात ये है कि हमारे स्टूडेंट्स ही बहुत कमज़ोर हैं, इनके पास बैकग्राउंड नहीं है, इनको किसी ने पहले पढ़ाया नहीं, तो अब हम उनके सब्जेक्ट कैसे पढ़ाएं, उनको हम पहले बेसिक मैथ से शुरू करना होगा इस किस्म की। तो ये भी बात एक गलत फहमी है।
کہ ہمیں یہی نگاہ پیدا کرنی ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بتلاتے ہیں کہ ایک زندگی ساری انسانیت کے بدل ہے. ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کو قیمتی دیکھنا ہے, اللہ تعالیٰ خود اس زندگی کے خریدار ہے. تو ہر اسٹوڈنٹ کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ بلندیوں تک پہنچ جائے. ٹیچر کا کام ہے کہ اس کو دیکھے کہ اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے, اس کو پھر وہ تشکیل کرے کہ وہ اس کو ہمت پیدا ہو اور محنت کرے. تو اس میں ایک اسٹینڈرڈ ماڈل ہے جو ہم نے سیکھا ہے, جو اتھارٹیرین ماڈل ہے کہ میں ایکسپرٹ ہوں, تم سب نکمے اور نادان ہوں, اور میں اپنا علم جو ہے وہ تمہارے اپنے دماغ سے نکال کر منتقل کروں گا. خالی ہوگی تمہارے ذہن, میرے بھرا ہوا ہے. یہ جو ہے یہ بہت ہی زہریلا قسم کا ماڈل ہے ایجوکیشن کا, بلکہ لرننگ جو ہے وہ مطلب علم المہدی الی اللہ اپنے گہوارے سے لے کر قبر کا علم کی طلب میں لگے. میں بھی طالب علم ہوں, تم بھی طالب علم, ہم لوگ مل کے ایک ہی سفر کرتے ہیں, کوئی کسی مقام پہ کوئی کسی مقام پہ, مگر ہم سب مل کے محنت کریں اور مل کے علم حاصل کریں. یہ فیلو ٹریول ماڈل جو ہے اس میں پھر یہ پاسبلٹی تھی کہ میں بھی سیکھنے والا ہوں, ابھی سیکھنے والا ہوں. اس میں جو ہے اپنے آپ کو اتھارٹی اسٹیبلش نہیں کرنا ہوتا ہے. تو اس سے فوراً چونکہ ہم لوگ اس سسٹم کے آدمی نہیں, تو ٹیچر کہتا ہے کہ میں کہوں گا کسی چیز کے بارے میں کہ یہ تو مجھے نہیں پتا, تو پھر میری تو اتھارٹی بریک ڈاؤن ہو جائے گی. اسٹوڈنٹس بھی اسی کے اسی پیراڈائم میں رہتے ہیں, اس لیے واقعی ایسا ہوگا. اس میں پیراڈائم شفٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ٹیچ اسٹوڈنٹس کو بھی بتلائیں اور اپنے آپ کو بھی سکھائیں, نئے طریقے سے سیکھنا سکھلانا سیکھنا ہے, کیونکہ ہمارے ٹریڈیشنل طریقہ پرانے زمانے سے یعنی ہزار سال تک مسلمانوں نے اسی طرح سے پڑھایا, اب ہم یہ طریقہ ہم سے ختم ہو گیا, ہم نے ویسٹرن میتھڈ سیکھ لیے ہیں. تو ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا طریقہ تھا اور ایک میکیاولی کا ہے. میکیاولی نے جو سکھلایا کہ اتھارٹی کے کو پاور کے ذریعے سے, اور اس نے کہا کہ دو طریقے ہیں, ایک محبت کا راستہ ہے, لوگ تمہاری اطاعت کریں گے تو وہ تمہیں چاہتے ہیں, تمہیں پسند کرتے ہیں, اور ایک طریقہ ہے گھر اتنا ان کی وہ کرو پٹائی کرو, اتنا پاور ہو تمہارے پاس کہ وہ کسی کی مجال ہی نہ ہو کہ تمہارے خلاف کچھ کر سکے. تو اس نے کہا کہ یہ جو دوسرا طریقہ ہے نا, یہ صحیح طریقہ ہے, بلکہ محبت والا طریقہ یہ بہت کمزور ہے. اس نے کہا کہ محبت کے طریقے سے راج نہیں کرنا چاہیے, بلکہ خوف کا استعمال کرنا. آج ساری دنیا میں یہی رائج ہے, شاک اینڈ آور اسٹریٹجی ہے, اتنی مار مارو اتنی مار مارو کہ کسی کو ہمت ہی نہیں ہوگی سر اٹھانے, بس جو تم کہیں وہ اس کی فوراً تعلق ہو جائے. یہ اتھارٹی والا ماڈل چل رہا ہے, یہ ماڈل جو ہے اس کو ریپلیس کرنا ہے. دوسرا تو بتائیے, ایک باپ والا ماڈل ہے کہ تم سب میری اولاد کی طرح سے, اور شفقت اور محبت والا ہے. ٹھیک ہے, باپ کو ضروری تھوڑی ہے کہ اس کو ساری چیزوں کا سارا علم ہو, اس کو تو صرف ایک مددگار ہے. سیکھنا تو تمہارا کام ہے اسٹوڈنٹ کا, میں اس میں جو کچھ میں کر سکتا ہوں میں تمہاری مدد کر لوں گا, جو مجھے نہیں آتا ہے وہ ہم لوگ مل کے دیکھتے ہیں. یہ ایک نیا ماڈل ہے, سوچنے کا انداز بدلنا ہوتا ہے. اب یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس چیز کو ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہی ہمارا وہ ہے, ہمارے بچانے والا طریقہ ہے, وہ ہی زہر ہے. یہ کہ ہم ویسٹرن ایجوکیشن اس کو ہم اپنی بقا اور فلاح اور سیفٹی کا راستہ سمجھ رہے ہیں, اس کی تعریف جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے, بس یہی
और हमारी जो फीलिंग है वो यही है कि हमने वेस्टर्न एजुकेशन नहीं हासिल किया और उसको सिखला नहीं सकते, और आज जो है वो पाकिस्तान को हमें बदलना है तो हमें स्टेम पे जाना होगा, साइंस टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग और मैथ। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। ये स्टेम जो है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं सिखलाया था सहाबा को, और वो दुनिया के लीडर्स बन गए। तो स्टेम के जरिए से लीडर्स नहीं पैदा किए जाते, स्टेम के जरिए से गुलाम पैदा किए जाते। बात ये है कि ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का मकसद क्या है? असल में हम लोगों को कूलों की बैल की तरह से बस चलते रहो, बस इस तरफ जमाना चल रहा है वही सिखलाया गया है, बस जो सब कह रहे हैं वही तुम्हें करना है, कभी इसके ऊपर हट के नहीं सोचो। प्लीज, इस तालीमी निज़ाम का मकसद क्या है? ये कैसे बना, ये कैसे बदला? हमारा निज़ाम क्या था? सोचने की ज़रूरत नहीं, हम तो बस अपने इस वक्त जो हो रहा है बस उसी के साथ साथ चले। तो बात दरअसल ये है कि दुनिया जो है वो इस वक्त कैपिटलिज्म पे चल रही है, जैसा कि बदला है, दौलत ही सब कुछ है, दौलत कमाना मकसूद है। अब हमारा काम यह है कि हम पुर्जे मैन्युफैक्चर करें, स्टैंडर्डाइज पार्ट्स जो कि कैपिटलिस्ट मशीन के अंदर फिट हो जाएं। हमारे पास जो भी स्टूडेंट आता है, अली हो चाहे फातिमा हो, उसको हमें एक ही तरीके से एक ही चीज पढ़ानी है। तो ये तालीम कि तुम दरअसल एक ह्यूमन रिसोर्स हो, तुम इंसान नहीं हो, तुमको हमें मशीन का पुर्जा बनाना है। उसके अंदर जो भी इंडिविजुअलिटी है, जो भी यूनिक कैरेक्टर, वो तो हमारे लिए रास्ते में रुकावट है, उसको हमें रगड़ घिस के निकालना है ताकि वो मशीन में फिट हो जाए। तो ये आइडिया कि हम लोग तो बिक्री का माल हैं, हमारी जिंदगियों को बेचा जाएगा मार्केट में, जिसकी जो बोली ज़्यादा लगती है वो ज़्यादा कीमती आदमी है, जिसकी बोली कम लगती है, जो कम अच्छी नौकरी वो कम कीमती आदमी है। और हमारी ये तालीम का सारा मकसद ये है कि तुम्हें नौकरी मिल जाए। ये सारे जहरीले ख्याल आते हैं जो हम लोग, अगर हम इसका तज़किरा ना करें तो ऑटोमेटिकली ये माहौल में, जब तक हम इसको यानी शिद्दत से इस पर नकीर न करें टीचर के तौर पर, तब तक हम इसके साथ साथ हमने इसको इसके कुछ न कहना कि मानी कि हम भी इसको एग्री करेंगे। तो सबसे पहला अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है कि तुम कौन है। एक इंसान जो है वो कायनात की यानी अहसन तकवीम है, सबसे कीमती मखलूक है। भला इस मशीन का पार्ट, एक बिक्री का माल सबसे अहसन तकवीम कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। लई सले इंसान इल्ला मा सआ, इंसान के लिए वही कुछ है जो वो इसके लिए वो कोशिश करता है। अगर हम ये कोशिश करेंगे हमें मल्टीनेशनल में जॉब मिल जाए और मेरी जिंदगी की कीमत जो है वो $1,00,000 लग जाए, बस मेरी जिंदगी की कीमत $1,00,000। अगर इंसान ये तसव्वुर करेगा कि मेरे लिए तो तू ही नागा चंद कलियों पर कनाअत कर गया, वरना गुलशन में अल्लाह की जिंदगी का मैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें अल्लाह के खजानों में, हमने उनसे बस दाल रोटी मिल जाए, दाल रोटी हमें मिलेगा। तो इंसान का मकाम बहुत आगे है। तो हम लोगों को खुद अपने लिए भी और अपने तलबा के लिए भी बड़ी चीज़ों का अज़्म रखना है। दुनिया बदल सकते हैं, और जो इंसान जिस चीज़ के लिए अज़्म करे अल्लाह ताला उसको उसी के हिसाब से देते हैं। कहते हैं इन्नमल अमल, उस चीज़ की नियत करोगे, नियत करोगे मेरी नौकरी हो जाए, नौकरी मिल जाएगी, कम अज़ कम उसकी तरफ तुम्हारी रहनुमाई की जाएगी। और अगर तुम नियत करोगे मैं दुनिया बदल दूंगा, मुझ मेरे के जरिए के तौर पर इस्तेमाल करके अल्लाह ताला दुनिया बदल दें, मुसलमान उम्मत की तकदीर बदल दें। तो सोचने के लिए सबसे पहले हम लोगों को इसको कहते हैं कि मेटा थिंकिंग, तो हमें सोचने का तरीका। इस वक्त हम लोग इस सबसे बॉटम लेवल पे, हम लोगों को 300-400 साल गुलामी की जिंदगी में रहना पड़ा है। सारी जो हमने बैटल्स लड़ी वो हम हार गए, हमारे ऊपर एक निज़ाम तसल्लुत हुआ और उसमें हमें सिखलाया गया कि तुम इंफीरियर हो,
गोरे लोग सुपीरियर हैं, वो राज करते हैं, तो मैंने हमारे लीडर्स ने कहा कि उनके मुकाबले में हम लोग तो जानवरों के मुकाबले तरह से हैं। तो गुलामाना ज़हनियत हमारे अंदर पैदा हुई, और इसमें यानी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान का लिबास जो है वो अपने चपरासियों को पहना दिया, तो इससे जो है वो जाहिर बात है ये यानी ये वो बात नहीं है कि कोई लिख रहा है कि तुम लोग इंफीरियर हो, बल्कि हमारी आंखें देखती हैं कि हमारा बादशाह जो है वो उनका चपरासी है। इसका तो दिल तोड़ देने वाली बात है, इससे फिर इससे जो साइकोलॉजिकल शॉक और ड्रामा पैदा होता है इसका कोई इलाज नहीं। तो हम लोग तो इस लेवल पे हैं, तो आगे इसके ऊपर जो है वो हमारे आका हैं जो यूरोप वाले हैं, उन्होंने सारी दुनिया पे हुकूमत की। एडवर्ड सईद की किताब है ओरिएंटलिज्म, इसमें बेसिकली उसने ये बताया कि इनके जो सारी सब कुछ जो उन्होंने लिखा है ईस्ट के बारे में, वो सारा का सारा एक अफसाना है। उन्होंने ये लिखा कि मैंने उसकी और इन इसमें जो है वो दरअसल इनके पास एक एहसास से बर्तरी पैदा हो गया कि और ये ज़रूरी था क्योंकि इन्होंने जितना जुल्म किया है वो बिल्कुल ही यानी नाकाबिल बर्दाश्त हद तक है कि उसको बयान करना भी मुश्किल है, क्योंकि इतना उन्होंने सारी दुनिया में इस तरह से यानी लाखों करोड़ों को बिल्कुल ही बेदर्दी से मौत के घाट कर दिया। उसकी उसका यानी जिक्र ही इतना तकलीफ दे है कि वो किताबों में लिखा नहीं जाता किस किस तरह से इन्होंने यानी बच्चों को छाल के कत्ल किया, सिर्फ अपनी छुरी की वो उसको तेजी को देखने के लिए पूरी की पूरी कौमों को ख़त्म कर दिया, जेनोसाइड जिसको कहते हैं, इंडिया में, अफ्रीका में, बहुत सारी जगह पर इस किस्म के हरकत की इंसान यानी असफल साफलीन जो बतलाया है वो। तो ये बातें तो हमारे पास आती नहीं। तो बहरहाल बात यह है कि उनके जहन में एक एहसास बरतरी पैदा हो गया और उन्होंने तारीख इस तरह से लिखी कि सारी अच्छी सिफात उनके पास हैं, वो ईमानदार हैं, हम लोग जो हैं वो झूठ बोलने वाले हैं, वो मेहनतकश हैं, हम लोग काहिल हैं, सुस्त हैं, जो भी अच्छी सिफत है वो उनके पास है, जो भी उसकी अपोजिट सिफत है वो हमारे पास है। चुनांचे हमारे लोगों ने भी इस बात को समझ लिया और हसन निसार रोज हसन की बातें सुनाता रहता है, हमारी कौम तो बिल्कुल दुनिया की सबसे बेहतरीन कौम है, उनकी कौम जो है वो उसमें तो झूठ बोलने का तसव्वुर ही नहीं है, पता नहीं कौन सी दुनिया में रहता है, हम सब लफाती हैं इसकी। यानी बात यही है कि इतना ज़बरदस्त ये एहसास कमतरी पैदा हुआ है कि तो इसके आगे हमें देखना है कि जो यूरोप के ख्यालात हैं वो उनके पास कैसे आए, यूरोपियंस ने किस तरह से अपनी सोच सोचना सोच, क्योंकि वो जो भी सोचते हैं वो हमने सीख लिया है क्योंकि हमने उनकी किताबें पढ़ी और जो भी उन्होंने हमें सिखलाया वो हमने बहुत ही मेहनत से और इसको इल्म का खजाना समझते हुए इसको पढ़ा, समझा, सीखा और इसको अपने दिलों में बसाया। तो अब हमें ये समझने की ज़रूरत है कि यूरोप वाले जो ख्यालात सोचते हैं वो उनके पास कैसे पैदा हुए, तो उसके लिए हमें यूरोप वालों की तारीख पढ़नी होती है। पता चलता है कि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हुई यूरोप में जिसमें उनकी ट्रेडिशनल सोसाइटी थी हमारी जैसे, जिसमें आपस में प्यार मोहब्बत सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तसव्वुर था, मगर ये सारे तसव्वुरात ख़त्म हो गए। अभी बहुत बड़ी जंग हुई यूरोप में जिसमें मॉडर्निटी गालिब हो गई, ट्रेडिशनल जो है वो सोसाइटी हार गई और इसमें बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के चेंज आए, मगर जो सबसे अहम है वो ये कि एक मार्केट सोसाइटी वजूद में आ गई जिसमें हर चीज़ फॉर सेल है और हर चीज़ की कीमत बाजार में लगाई जाती है। सो चुनांचे आज आप लोग यानी अगर पढ़ें इकोनॉमिक्स जर्नल्स में तो लोग कॉस्ट बेनिफिट ऑफ हैविंग चिल्ड्रन कैलकुलेट कर रहे हैं, बच्चे के ऊपर इतना खर्चा आता है और उनसे हमें इतनी बेनिफिट्स हासिल होती हैं। तो अब ये
پلس میں ہے کہ مائنس میں. اس طرح سے بیوی اور شوہر کا رشتہ, اس میں بھی کاسٹ اور بینیفٹ کی کیلکولیشنز ہو رہے ہیں. تو ہر چیز جو ہے وہ بازار میں ہے. اب جو امریکہ میں جو ہے وہ ہر چیز بکتی ہے, انسان جو ہے اپنے باقی کے اوپر سائن لگا سکتا ہے, اس کو بیچ سکتا ہے فار ایڈورٹائزمنٹ, عورتوں کا رحم بیچا جاتا ہے رینٹل اسپیس ہیونگ چلڈرن. تو اس طرح سے یعنی دس از واٹ اے مارکیٹ سوسائٹی از, ایوری تھنگ از فار سیل. تو یہ ان کے یہاں ہے, اور ہم لوگ نے سیکنڈ ہینڈ یہ ساری چیزیں ہم نے بھی قبول کر لی. اب اس کو دیکھنا, یہ وہ کہتا ہے نا بلکہ فریب خود شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں, اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہ رسم شاہ باز. تو ہم لوگ جو ابھی وہ فورتھ باٹم لیول پہ ہیں کہ جو ہمیں سکھلایا جا رہا ہے بس وہی ہم سوچ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یعنی وہ شاہین کی طرح سے اوپر اڑ کے دیکھنا ہے آسمانوں پہ, جس کے لیے ہمیں بنایا گیا ہے کہ یہ جو دنیا چل رہی ہے کیسے چل رہی ہے, یورپ والوں کو کیسے فتح حاصل ہوئی, یہ مسلمانوں کی ہزار سال کی تاریخ میں مسلمان نے کیسے اتنی ترقی کی, وہ کیا راز تھا, اور وہ ہمارا پھر تنزل کیسے ہوا. یہ سب چیزیں ہم نے کوشش کی. ہم بھی کولوں کے بہن ہیں, ہمیں بھی یعنی ہمارے زندگی کا کیا کام ہے, بھائی نوکری کر لو, پیسے کما لو, بیوی بچے پال لو, بس تمہارا کام ہے. یہ انسان ہے, تو اشرف المخلوقات کیسے بن گیا انسان کو, اس کا یہی کام ہے. تو جانوروں کا بھی یہی کام ہے. تو جب ہم لوگ تاریخ کے دھاروں کو دیکھیں گے اور اس سے اوپر نکل گئے, یعنی ہم اصل میں تاریخ کے اندر ہیں. ہم لوگ یہاں بیٹھ کے, میں اردو میں بات کیوں کر رہا ہوں, اس لیے کہ میں پاکستان میں ہوں, اور میں انگریزی میں کیوں اس کی آمیزش کر رہا ہوں, کیونکہ ہم لوگوں کو برٹش نے ہمارے اوپر راج کیا تھا. اگر ہمارے اوپر فرینچ راج کرتے جیسا کہ الجیریا میں ہوا تھا تو میں فرانسیسی میں بول رہا ہوتا. تو یہ سب مجھے پتا نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ میں آزادی سے بول رہا ہوں, اپنی بات کر رہا ہوں, حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. تو ہمیں یہ جو تاریخ کا جو دھارا بہ رہا ہے اس سے اوپر ہٹ کے دیکھنا ہوگا کہ اس نے کس طرح سے کس کس ذہن کو کس کس اندر کیا کیا تعلیم دی تاکہ ہم اس سے آزاد ہو سکیں, نہیں تو پھر وہی ہم اسی دھارے میں بہتے رہیں گے. تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جس اس وقت تقسیم کی موقع نہیں ہے, کیونکہ میں نے اس میں الگ سے کافی ساری میرے ٹاکس کے لیے ہر چیز جو ہے اس کا ہمارے سوچنے کے طریقے پہ کیا اثر پڑا ہے. سب سے جو میجر چیز ہے وہ یہ ہے کہ یورپ میں ایک واقعہ جس کو کارل پولانی نے گریٹ ٹرانسفارمیشن کا نام دیا ہے. اس نے کہا کہ مارکیٹ سوسائٹی کیسے ایمرج ہوئی, اور اس نے کہا کہ یہ مارکیٹ سوسائٹی ایک نیچرل ایولیوشن سے نہیں ایمرج ہوئی, کہ ٹریڈیشنل سوسائٹی آہستہ آہستہ بدلتے بدلتے مارکیٹ سوسائٹی بن گئی. اس نے کہا کہ مارکیٹ سوسائٹی اور ٹریڈیشنل سوسائٹی میں آپس میں جنگ ہے, یہ ایک دوسرے کی ضد ہے, اس میں ایک کو بدل کے دوسرا نہیں بن سکتا ہے, بلکہ جب ٹریڈیشنل سوسائٹی کو مٹا دیا جاتا ہے تب مارکیٹ سوسائٹی وجود میں آتی ہے, جنگ کے ذریعے سے آتی ہے. یہ بہت اہم ہے کیونکہ آج یہ ہمارے گھروں میں یہ جنگ چل رہی ہے کہ ایک ٹریڈیشنل سوسائٹی کو مارکیٹ سوسائٹی بنایا جا رہا ہے, اور جو بھی یہاں پہ میرے ہم عمر ہیں, ختم ہو گئے مگر بڑے لوگ ہیں, وہ یہ جانتے ہیں کہ 70s میں 80s میں کوئی بھی ڈاکٹر یہ کسی مجلس میں شریفوں کی یہ بات نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں نے ڈاکٹری اس لیے سیکھی ہے کہ میں غریبوں کی اس کے بیماری کا فائدہ اٹھا کے پیسہ بناؤں. سوشلی انایکسیپٹیبل ہوتا, یہ چاہے اس کے دل میں یہ ہوتا چاہے نہ ہو, یہ ہو سکتا تھا انسان کے دل میں ہمیشہ ہوتا ہے چیزیں اس قسم کی. مگر آج اگر کوئی آدمی کھڑا ہو کے یہاں پہ کہے کہ میں ڈاکٹری اس لیے سیکھ رہا ہوں جی کہ مجھے انسانیت کی خدمت کرنی ہے, تو لوگ ہنسنے لگے. یعنی یہ اتنا بڑا چینج پیدا ہو گیا کہ اب جو ہے وہ اچھی نیت سے کام کرنا جو ہے وہ معیوب بات ہو گئی ہے, اور بری نیت جو ہے وہ اب سوشلی ایکسیپٹیبل ہو گئی. تو یہ مارکیٹ سوسائٹی کی جنگ لڑی جا رہی ہے اور ہاری جا رہی ہے مارکیٹ سوسائٹی. اور اس میں پھر یورپ والوں نے اپنے دین میں بھی
से भी इनकार कर दिया, सेकुलर बन गए। इसकी भी बहुत लंबी चौड़ा दास्तान है जिसका अभी वक्त नहीं है, मगर बहुत अहम है हमारे लिए सीखना, क्योंकि जब तक हम ये नहीं सीखेंगे कि यूरोपियन ने क्या सोचना सीखा, तब तक हमें खुद अपनी समझ नहीं आएगी, क्योंकि हम उनके मुकल्लिद हैं, जो वो सोचते हैं वो हम सोचते हैं। जब तक हम उसकी जड़ तक नहीं पहुँचेंगे उन्होंने किस तरह से ऐसे सोचना सीखा, तब तक हम अपने आप को उस जंजीरों से आज़ाद नहीं कर सकेंगे जो हमारे जहन और हमारे ख्याल फिर बांधी गई। तो ये जो उन्होंने क्रिश्चियनिटी को रिजेक्ट कर दिया, तो इससे दो चीज़ें हुई जो कि जिनका असर हम पे भी है। एक तो ये है कि जिंदगी का मकसद उन्होंने बदल दिया कि आखिरत तो अब है नहीं, तो अब हमें जिंदगी में ऐश करना है। ये हम लोग बाकायदा इकोनॉमिक्स में पढ़ाते हैं अपने स्टूडेंट्स को, और हमें समझ में भी नहीं आता कि हम ये कुफर पढ़ा रहे हैं। ये इंसान को कहना है कि रैशनल बिहेवियर ये है कि वो जिंदगी में अय्याशी करे और मैक्सिमाइज करे, अपना प्लेजर दुनिया में हासिल करे। ये तो यानी अल्लाह ताला ने कहा है कि नफ्स की परस्तिश वालों करने को देखा है तुमने, एग्जैक्टली जो थ्योरी ऑफ इटली मैक्सिमाइज है, एग्जैक्टली ये नफ्स की परस्तिश का सबक है जो हम सिखला रहे हैं कि अकलमंद आदमी यही करता है। तो रैशनैलिटी का क्या मतलब है? रैशनैलिटी का मतलब अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न एनलाइटनमेंट थ्योरी ये है कि आदमी हर उस चीज से इनकार करे जिसका कोई एविडेंस नहीं। इट्स सिंपल सी बात है, बात भी माकूल लगती है। तो क्या किस चीज का एविडेंस नहीं? जिंदगी के मौत के बाद की जिंदगी के लिए कोई एविडेंस नहीं है अल्लाह, तो इसलिए उससे भी इनकार करना जरूरी है, अल्लाह ताला से भी इनकार करना जरूरी है, जन्नत जहन्नम से भी इनकार करना जरूरी है। फिर रैशनैलिटी के तकाजे ये कि आप जिंदगी को एंजॉय करें, इसके अलावा क्या हो सकता है? तो ये सब हम लोग पढ़ा रहे हैं और हमें पता भी नहीं कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। और ये बात नहीं है कि ये बहुत ढकी छुपी बात है, यूटिलिटेरियनिज्म जो है जो हम पढ़ाते हैं वो जेरेमी बेंथम ने इन्वेंट की थी, और उसने इसीलिए इन्वेंट की, उसने कहा कि क्रिश्चियनिटी तो बेकार चीज़ है, और अब अगर क्रिश्चियनिटी नहीं है तो अब हम मोरल बिहेवियर कैसे डिफाइन करेंगे? अच्छा अच्छा काम क्या है, बुरा काम क्या है? उसने कहा अच्छा काम वो है जिससे आदमी को खुशी हासिल हो, बुरा काम वो है जिससे उसको तकलीफ हो। सिंपल सी बात है, उसने आखिरत जहन्नम सवाब नेकी बुराई सबको दुनिया में और अपनी यानी जात के साथ और अपने प्लेजर और पेन प्रिंसिपल के साथ मुकय्यद कर दिया। अब हम उसके दीन को पढ़ा रहे हैं और हम उसको दीन को साइंस समझ के पढ़ा रहे हैं। तो गोल्स ऑफ लाइफ बदल गए, थ्योरी ऑफ नॉलेज जो हम लोग सब सिखलाते हैं, हालांकि हम लोग ने इसका एपिस्टेमोलॉजी का लफ्ज ना हमने सीखा ना हमने सिखलाया, मगर इसके बावजूद हम लोग यही सबक दे रहे हैं कि हमने पढ़ाया उनको इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी और मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो हमने उनको बतलाया कि यही इल्म है, कुरान और हदीस का तो कोई दर्श नहीं हुआ। जब भी पढ़ाया तो वो हमने पढ़ाया कि ठीक है ये तो मैं आखिरत में कहा दुनिया में इसका कोई काम नहीं। तो वो या हमने अपने स्टूडेंट्स को ये सिखलाया कि भाई कुरान हदीस ये सब अब ऑब्सोलीट है, ये ठीक है हम मुसलमान पैदा हुए हैं तो हम अपनी रवायत का पास रखते हुए इसको किसी न किसी दर्जे में कुरान को याद कर लें और पाँच वक्त, बाकी हमारी ज़िंदगी से उसका मौजूदा ज़िंदगी से उसका कोई ताल्लुक नहीं। ये तो हो ही नहीं सकता कि कुरान हमें आज रहनुमाई कर दे कि जिस जो उसने मौजज़ा 1400 साल पहले किया था, सबसे जो नीचे वाले गिरे हुए लोग थे उनको दुनिया के लीडर बना दिया, आज ये मौजज़ा कुरान के अंदर मौजूद है। कुरान तो ये कहती है कि अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, कि हमने अपनी नेमत को तमाम कर दिया, बेहतरीन नेमत तुम्हें, और ये तुम्हें हमारे लिए कम्प्लीट और परफेक्ट गाइडेंस है। हम कहते हैं कि ये उस ज़माने के लिए होगा, आज तो मॉडर्न ज़माना है, आज तो हमें कुरान कोई काम नहीं है। ये ग़ुलामाना ज़हनियत हमारे अंदर पैदा हो गई। फिर मोरालिटी का तस्वुर भी जो आम हो गया है कि ऑल इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, ये मैकियावेली की जो टीचिंग है कि भाई पावर के हुसूल के लिए तो कोई मोरालिटी रास्ते में नहीं है, उसने बिल्कुल साफ साफ एक्सप्लिसिट कहा कि जो बादशाह है मोरालिटी उसका 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 यानी उसकी ईजाद अल्लाह ताला है ना, तो स्टेट में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कौन बनाता है? वो बादशाह बनाता है। तो मोरालिटी जो है वो मैं जो कहूँ वही मोरालिटी है, तो इसलिए उसके ऊपर कोई मोरालिटी की कैद उसके ऊपर नहीं आती, जो मर्जी आता है।
قتل کرے چلے. چنانچہ اسی کو ہم دیکھ رہے ہیں آج کے لاکھوں کروڑوں کو عراق میں بے دردی سے قتل کر دیا گیا. ان کے یعنی ہسپتال اور اسکول اور فیکٹریز اور انفراسٹرکچر انجینئرنگ پلانٹ سب بمباری کر کے تباہ کر دیا. یعنی یہ یعنی غیر انسانی سلوک. لاکھوں کروڑوں کی زندگی وہ عراق جو کہ اس علاقے کے سب سے ایڈوانس کنٹری کی سب سے ماڈرن کنٹری تھی اب وہ کیوز اس ایرا میں چلے گئے اور کسی نے چوں نہیں کہا کہ یہ غلط کام ہوا. ہاں چند الجزائر کے مسلمان جن کے ایسا دردناک ٹارچر کیا گیا تھا فرانسیسیوں نے الجزائر میں, انہوں نے اپنے ماں باپ کو دیکھا تھا. انہوں نے جا کے ایک فرانس میں جرنلسٹ نے 12-15 لوگوں کو قتل کر دیا تو ساری دنیا کے لیڈرز مل کے جمع ہوئے تو اس کی مذمت کی جائے. تو یہ آج کل چل رہا ہے کہ مائٹ از رائٹ لا آف دا جنگل, جس کے لاٹھی اس کی بھینس, یہ قاعدہ قانون ہے. اور یہ قاعدہ قانون ہونا ہی جب جو پچھلے 300 سال میں یورپی اقوام نے ساری دنیا کو تاخت تاراج کیا تو یہ صرف اسی جنگل کے قانون کے تحت کیا. تو یہ تو یعنی اس کے اندر یعنی اس کے جینیٹکس میں ہے, اس کے یہ اس دور کا ڈیفائننگ پرپز ہے. تو یہ ہم لوگ بھی اسی میں آ رہے ہیں, حالانکہ اسلام کے تصور سے بہت دور ہے. مگر جب ہم اس کی نکیر نہیں کرتے, جب ہم کیمسٹری بایولوجی فزکس پڑھاتے رہتے ہیں تب کہتے ہیں کہ بھائی جو چل رہا ہے نظام وہی قابل قبول ہے, یہی نظام ہے, ہم سب کو اسی نظام میں رہنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو جنہوں نے ہمارے خیالات کو شیپ کیا ہے. اس میں سے جو سب سے یعنی جو ڈائریکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک تعلیم کا نظام دیا گیا جو کہ میکالے نے بنایا اور جو اس نے لکھا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ ہمیں ایڈمائر کریں گے گوروں کو اور اپنی قوم سے نفرت کریں گے. چنانچہ آج بھی یہی نظام چل رہا ہے. لیکن ہاں اس میں بچوں کو جو پڑھایا جاتا ہے, وہ میری بچی آئی کہ کہہ رہے تھے کہ ہماری ٹیچر بتلا رہی تھی کہ یورپ میں تو ساری سڑکیں جو ہیں صاف ہوتی ہیں, ہمارے یہاں سڑکوں پہ کچرا ہوتا ہے. اور یعنی سب لوگ یہ بات معلوم ہے, ساری چیزیں ان کے پاس اچھی ہیں, ساری چیزیں ہمارے پاس خراب ہیں. ان کے لیڈرز آنیسٹ رہتے ہیں, ہمارے پاس کرپٹ رہتے ہیں. جو بھی اچھی چیزیں وہ ان کے پاس ہے, جو بھی بری چیزیں ہمارے پاس ہیں. حالانکہ ایسا ہے نہیں. تو اس کے کہ سب سے پہلے تو ہم اسٹوڈنٹس کی شناخت ان کو پہچانوائیں کہ ہم لوگ یوٹیلٹی میکسیمائزر نہیں ہیں. ہمارا مقصد یہ نہیں کہ زندگی میں مزے کریں اور کسی کی پرواہ نہ کریں. یہ بھی یوٹیلٹی میکسیمائزیشن ہے اور یہ بھی وہی کالونائزیشن کا سبق ہے کہ تم اپنا پاور کے حصول کے لیے کسی اور کی پرواہ نہ کرو. باقیوں کو موت کے گھاٹ اتارنا ہے تو اگر تمہارے پاس طاقت ہے بہت اچھی بات ہے. جس کے پاس طاقت ہے وہ طاقت خود ہی اپنا جسٹیفیکیشن ہے. تو اس کے بعد تو ہم اس کو آفیشلی اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں. ان کو پڑھائیں گے نہیں, بھائی اسلام نے ہمیں ماڈریشن سکھلایا ہے, نہ ہمیں ایسیٹزم میں خیال کرنا ہے, کچھ بھی یعنی رہبانیت بھی نہیں ہے اور اسراف بھی نہیں. ہمیں تو یہ سکھلایا گیا کہ ہم لوگ ہیومن ریسورس نہیں, ہم انسان ہیں. انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہیں. زندگی کا مقصد پیسہ بنانا نہیں ہے. یہ بہت بڑا حیرت انگیز سبق ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. اچھا زندگی کا مقصد پیسہ بنانا نہیں ہے. اسٹوڈنٹس کئی اسٹوڈنٹس نے مجھے بتایا کہ آپ سے میں نے سب سے اہم چیز یہی سیکھی کہ زندگی کا مقصد پیسہ بنانا نہیں ہے. اب حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان معاشرے میں یعنی کتنے اسٹوڈنٹس میرے پاس آئے ہیں کہ آپ مجھے یہ بتلائیں کہ میں کون سی ڈگری لوں جس میں مجھے سب سے زیادہ پیسہ ملے. پھر میں ان کو بتلاتا ہوں کہ نہیں بھائی زندگی کا یہ تو کہنا ہی مشکل ہے کہ زندگی کا مقصد پیسہ بنانا نہیں ہے. تو اتنا وہ آڈ اینڈ آکورڈ میں کہتا ہوں. میں ان کو اس سے تھوڑے سی کم درجے کی بات کرتا ہوں کہ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ صلاحیتیں دی ہیں, کچھ چیز کا شوق ہوگا تو وہ اگر تم کرو گے تو اس میں پیسے بھی بن جائیں گے تمہارے. تو مگر اس بات پہ بھی ہو رہا ہے, ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ میرا مجھے تو شوق پیسہ بنانے کا, اس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں. تو تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہم ان کو پیسہ بنانا سکھا رہے ہیں؟ یہی ہم نے سمجھا ہوا ہے؟ نہیں بھائی, تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہے. تعلیم کا علم وہ چیز ہے جس سے
انسان کو زندہ رہنے کا طریقہ سیکھتا ہے. اور اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اسٹینڈرڈائز پارٹس ہم مینوفیکچر کریں, بلکہ ایک ترکی میں ایک مدرسے پہ ایک سائن میں نے دیکھا کہ لکھا ہوا ہے کہ ہم لوگ یہاں مچھلیوں کو اڑنا نہیں سکھلاتے اور پرندوں کو تیرنا نہیں سکھلاتے. تو ہمیں تو طالب علم کو دیکھنا ہے کہ وہ کہاں پہ جو کون ہے, اس کے اندر کون سی صلاحیت ہے, اس کو کیسے اجاگر کیا جاتا ہے, بجائے اس کے کہ ہمارا جو اس وقت کا طریقہ تعلیم ہے کہ اسٹوڈنٹ کہیں پہ بھی ہو ہمارے سامنے ٹیکسٹ ہے ہر ایک کو یہاں پہ لانا ہے. اس کو میں کہتا ہوں برین واشنگ. اس کے ذہن میں جو کچھ بھی ہے اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں کہ وہ کون ہے, اس کے دل میں کیا ہے, اس کی کیا صلاحیت ہے. سب کو ایک چیز پڑھانی ہے, وہ کتاب میں جو لکھا ہے وہ اس کے دماغ میں آ جائے. اور اس کے برعکس یہ جو ٹیچنگ فش ٹو فلائی والے کہ ہم اسٹارٹ کریں وہاں سے لیں جہاں پہ اسٹوڈنٹ ہے, کہ تم کہاں پہ ہو, تم کو اگلا قدم کیا لینا ہے. ہر اسٹوڈنٹ کا الگ ہو. اب یہ کیا جا سکتا ہے, حالانکہ یہ اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ری انجینئر کرنا ہوگا کہ یہ کیسے کر سکتے ہیں, کہ یہ طریقہ تعلیم مغرب والوں نے ہمیں نہیں سکھلایا, ہم نے اسی طریقے سے سیکھا ہے. مگر یہ ہوتا ہے اور اس کے بارے میں کافی ساری کتابیں آ رہی ہیں. کیسے ہمارا 1000 سال تک ٹریڈیشن تھا کہ ہم اسٹوڈنٹس کو کلاسیفائی کرتے تھے بہت سویرے, اور پھر جس کے اندر جو صلاحیت ہوتی تو اس لائن پہ لگاتے تھے. چنانچہ ہمارے پاس آپ تاریخ کی کتابیں ہیں 11 سال میں 12 سال میں 13 سال میں بچے جو ہیں وہ ورلڈ ایکسپرٹس بن جاتے تھے, کیونکہ ہم دیکھتے تھے کہ اچھا اس آدمی کے اندر ریاضی کی صلاحیت ہے, اس کو اس میں لگاؤ, اس کو اس کے اندر وہ صلاحیت ہے, اس کو اس میں لگاؤ. چنانچہ ہمارے بہت سارے ہیروز ہیں جو بہت ینگ ایج کے, انہوں نے بہت کچھ کارنامے کیے. ہم سب کو ایک اسٹینڈرڈائز جو کچھ بھی ہے اس کے اندر ہم کوئی قدر نہیں کرتے. تو یہ پہچاننا کہ اسٹوڈنٹ کا, چنانچہ ہم لوگ کی اکثر ٹیچنگ, یعنی ہمارے یہاں میسیو انارمس ویسٹ ہوتا ہے. ہم لوگ جو پڑھاتے ہیں وہ سب زیرو ہے, یعنی 4 سال تک اسٹوڈنٹ پڑھتا ہے اس کو کچھ بھی نہیں آتا. ہم جو اکنامکس پڑھاتے ہیں ہم, یعنی یہ دونوں چیزیں, ایک تو یہی کہ ایک اسٹینڈرڈائز نصاب ہے جس میں ہم جو پڑھاتے ہیں وہ بھی گاربیج ہے, اور دوسرے یہ کہ ہم اسٹوڈنٹ کی صلاحیت کا, اس کا شوق کا, اس کا کوئی رعایت نہیں کرتے. ہم یعنی ایک بہت سمپل سی مثال دوں کہ اکنامکس میں پڑھاتا ہوں تو میں شرطیاں کہہ سکتا ہوں, کیونکہ میں مانیٹری پالیسی کمیٹی پہ گیا تھا, ابھی بھی ہوں, کہ آدمی کو آپ 10 کورس پڑھا دیں مانیٹری پالیسی کا اور ساری کتابیں پڑھا دیں اور ساری تھیوریز پڑھا دیں, اس کو جا کے بٹھائیں اسٹیٹ بینک میں کہ اچھا بدلاؤ اور ہمیں کیا کرنا چاہیے, اس کو کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہوگا. کیونکہ جو پڑھاتے ہیں کتابوں کا علم وہ اس کا پریکٹیکل اپلیکیشن نہیں ہوتا. یہ ایک ویسٹرن آئیڈیا ہے کہ تھیوری الگ سے ہوتی اور پریکٹس الگ سے ہوتی. تو تھیوری کو سیکھا ہی نہیں جا سکتا جب تک اس کو عمل میں نہیں آنا. تو چنانچہ یہ میں نے کئی جگہ پہ اس کو آزما کے دیکھا تھا. وہ میرا بیٹا کمپیوٹر سائنٹسٹ, نے کہا کہ کمپیوٹرز میں بھی یہی حال ہے, حالانکہ یہ حیرت کی بات ہے کہ آدمی سمجھے گا کہ یہ تو ایک پریکٹیکل چیز ہے اس میں, کہ وہ جو پڑھاتے ہیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا جو مارکیٹ میں ہو رہا ہے اس سے. تو ہر چیز میں ایسا ہی ہے. یعنی بہت حیرت انگیز واقعہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ اسلامک یونیورسٹی میں ہم لوگ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کھول رہے تھے, تو ہم لوگ نے ہائرنگ کرنی تھی لیکچررز کی, تو 6-7 انٹرویوز میں نے کیے, جس میں سب ایم فلس تھے اسٹیٹسٹکس کے, قائد اعظم سے ایم فل ہم دیکھ نہیں رہے تھے. ان سے میں نے سوال پوچھا کہ 10 فیکلٹی ہیں, اس میں سے 9 کی تنخواہ 1000 روپیہ ہے, 1 کی 11000 ہے, تاکہ مل کے بعد 20000 میں جائے, ان کی ایوریج تنخواہ کیا ہے. ناٹ 1 out of 6 کوڈ آنسر دس کوشچن. اسٹیٹسٹکس کا ایم فل اس کو ایوریج نکالنا نہیں آتا تھا. ایک نے لکھ دیا 1/n summation i = 1 to n xi, یعنی فارمولا فار ایوریج اس نے لکھ دیا. میں کہا شاباش, تم نے وہ کارنامہ کر دیا, اب یہ بتا دو کہ n کیا ہے اور xi کیا ہے. تو اس کو تو تھیوری پڑھاتے ہیں, وہ دنیا میں اس کا کیا کیسے اپلائی کرتی ہے وہ اس کا کسی کو آئیڈیا نہیں ہوتا, نہ ٹیچر کو پتا ہے نہ اسٹوڈنٹ کو. تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے یہ ہمیں پڑھانا ہے, کہ بھائی ہر انسان کے اندر جو ہے وہ تم چھوٹے چیز نہیں ہو, تم بکری کا مال نہیں ہو. تم کو یعنی صحابہ کو یہ سکھلایا گیا تھا کہ ساری دنیا کا سونا تمہیں خرید نہیں سکتا,
एक इंसान की जिंदगी की कीमत अगर अल्लाह ताला ने लगाई कि अरबों जिंदगी के बराबर है, तो ये ऐसे ही नहीं कह दिया। हर इंसान के अंदर ये सलाहियत है। अब इसको कैसे, सबसे पहले तो यानी हम हमारी निगाह होती है अंदर, ऐसे स्टूडेंट के अंदर ये जो एक बीज होती है उसको ये नहीं पता होता है कि उसके अंदर एक दरख्त पड़ता है। इसलिए जब तक उसको यानी हिम्मत और उसको यानी नर्चरिंग नहीं की जाएगी कि उसको सॉइल फराहम किया जाए, उसको पानी पटाया जाए, तब तक वो उसके अंदर जो सलाह है उसकी नशोनुमा नहीं है। तो वो यही समझेगा, बीज यही समझे कि मैं तो एक मामूली किसी बीज हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। चुनाचे हमारे स्टूडेंट यही समझते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, उनको ये बतलाना ही नहीं हो कि फिलहाल तुम एक बीज हो, मगर तुम्हारे अंदर अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी बहुत कीमती सलाहियतें रखी हैं, वो कैसे वजूद में आएंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हमारे स्टूडेंट पूछते हैं कि मैथ आप हमें पढ़ा लें तो इससे मेरा क्या फायदा होगा, हमारे पास तो कोई जवाब नहीं। कहते इसलिए पढ़ो कि तुम्हें कोर्स पास हो जाएगा, तो कोर्स क्यों पास करें, इसलिए कि डिग्री मिल जाएगी, तो डिग्री क्यों हासिल करें, इसलिए कि नौकरी मिल जाएगी, नौकरी मिलेगी तो उससे हमें पैसे मिल जाएंगे, पैसा तो जिंदगी का मकसद है बस। तो ये वही बोलूंगा भाई, इंसान है, इंसान बनना सिखलाएं। एक मैंने लेक्चर दिया था इतरा यूनिवर्सिटी में, लर्निंग टू बी अ ह्यूमन बीइंग इंस्टेड ऑफ अ ह्यूमन रिसोर्स, ये अलग ही चीज़ है। अब ये सवाल सबसे पहले पैदा होता है, क्या हम लोग मैथ पढ़ाने के दौरान इंसान बनने की भी तालीम दे सकते हैं? ये बड़ा जाहिर मुश्किल है, क्योंकि दरअसल मगरिब वालों ने जब दीन को तर्क किया तो उन्होंने नॉलेज को दीन से अलग निकाल दिया। अब हमारे यहाँ 1000 साल तक मुसलमानों ने माकूलात और मनकूलात दोनों को साथ पढ़ाया, और ऐसा नहीं हुआ और दोनों को दीन के तहत पढ़ाए। हम लोग तो एक यानी इब्तदाई बात हम ये कर सकते हैं कि भाई इसकी नियत करो कि जो कुछ भी हम सीखेंगे वो हम इंसानियत की खिदमत के लिए इस्तेमाल करेंगे। और इंसानियत की खिदमत क्यों करनी है, इसलिए कि वो अल्लाह ताला की मखलूक है। अल्लाह ताला ने कहा कि सारी मखलूक मेरा ख़ानदान है, और जो मेरे ख़ानदान की खिदमत करता है मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। अब ये जब नियत होगी तो फिर हमारी मैथ का पढ़ना ये इबादत बनेगा, और फिर इसमें बरकत आएगी, और इसमें और भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे। ये जो हम लोग कहते हैं कि भाई जो आदमी जो आलिम है उसकी रोशनाई जो है वो शहीदों के लहू के बराबर है, सवाल पैदा होता है कि जब मैं नोट्स लेक्चर बना रहा हूँ क्या ये मेरी जो रोशनाई है ये शहीदों के लहू के बराबर है या नहीं है। सोचने की बात है, ये क्या ये इल्म है या ये नहीं है। एक रेजोल्यूशन जो बाज़ लोगों ने इख्तियार किया है वो ये नहीं, ये इल्म नहीं है, ये फन इस तरह से लकड़ी काटना है यानी ये पैसे बनाने का। अगर हमारी यही नीयत है कि भाई इससे पैसे बनाए तो फिर ये इल्म नहीं, ये फन है। मगर दरअसल इसके अंदर बहुत सारे जहर पोशीदा हैं जिसकी वजह से हमें पता नहीं कि ये भी, क्योंकि इसमें हम लोग मगरिब की बरतरी का सबक भी दे रहे हैं और कुरान की इररेलेवेंस का सबक भी साथ साथ पढ़ा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग अपने और ज़िंदगी का मकसद भी उनको गलत सिखला रहे हैं। ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं जिसकी वजह से पता नहीं कि इसकी इजाज़त दी है हमें इस तरह से पढ़ाई को। जब हम अपनी नीयत को तब्दील करेंगे तो फिर ये इबादत बन सकता है, फिर ये हो सकता है कि हमारी रोशनाई जो है जो तालिबान जो नोट्स लिखते हैं उसको शहीदों के लोगों का दर्जा मिल जाए, बशर्ते कि नीयत हमारी इबादत की। तो सबसे पहली चीज ये है कि हम इस पर गौर करें कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। ये सवाल उठाया ही जाता है, कहते हैं भाई मैथ पढ़ो, बाकी तुम्हारी जिंदगी तुम जानो, मेरी जिंदगी मैं जानू, मेरा तुम्हारे से कोई ताल्लुक नहीं सिवा इसके। तो फिर अगर स्टूडेंट ये समझे जो कि मार्केट इकोनॉमी की तालीम है कि मैंने इस टीचर को खरीदा हुआ है और ये जो है ये मेरा नौकर है, इसकी जिम्मेदारी है कि मुझे ये पढ़ाए, और अगर ये जिम्मेदारी अदा नहीं करता है तो इसने मेरे अमानत में, दिस इज द स्टैंडर्ड के खादिम है। ये तस्वुर जो मार्केट इकोनॉमी में राइज है ये आज हमारे यहाँ भी पैदा हो रहा है ऐसा ऐसा, और जो इस्लाम का तस्वुर है, हजरत अली ने कहा कि मेरा उस्ताद को कहा तो मैं गुलाम हूँ और वो मुझे एक चीज़ सिखला दे तो मैं उसकी सारी ज़िंदगी उसकी खिदमत करूँ। ये सारी चीज़ें जो होंगे पुराने ज़माने के तस्वुरात थे जो आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर होते जा रहे हैं।
तो हमें फिर से स्टूडेंट्स को वही सबक पढ़ाना है जो वो बात पढ़ानी जो उनके दिल में उतर जाए। तो मकसद जिंदगी का बदलना है। इसमें कभी कभी लोग हमसे पूछते हैं कि अच्छा नॉन मुस्लिम्स का क्या बनेगा, तो बात यह है कि जिंदगी के मकसद में हम यहाँ नॉन मुस्लिम्स को भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, मुसलमान को तो पता है कि हमारी जिंदगी का मकसद है अल्लाह ताला को राजी करना है, बेहतरीन अमल करके लाना है, क्योंकि आजकल मुसलमानों को भी ये बात नहीं पता है, इसलिए मुसलमान का आखिर सब बराबर है। तो हम उनसे कहेंगे ठीक है, अगर हमको इसके बारे में शक है तो कम से कम यहाँ से तो शुरू करो, कि ये सोचो कि अल्लाह ताला ने मुझे यानी ये मुझे जिंदगी मिली है, बहुत कीमती है, एक ही मौका मिला है, दूसरी चांस नहीं मिलनी है, इसमें मैं अपनी जिंदगी किस बेहतरीन तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्या ये सही है कि मुझे नौकरी करनी चाहिए या मेरे अंदर कुछ और भी है। तो कम से कम इसके सवाल पे सोचो तो सही, हो सकता है कि कोई रास्ते निकले। तो यहाँ पर मैं खत्म करता हूँ कि नॉलेज जिससे पैसा कमाया जाता है वो और चीज है, नॉलेज जिससे जीना सीखते हैं वो और चीज है, क्या इनको कंबाइन किया जा सकता है, ये एक मसला है जिसको हल किया जा सकता है, और इसको हल हमें खुद निकालना पड़ेगा क्योंकि अब इसके मॉडल्स मौजूद नहीं है। पहले हमारे पास थे, वेस्ट ने हमें गलत मॉडल सिखला दिए, अब हमें इसको फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसकी मैंने बहुत मशक की है, अब मैंने इकोनॉमिक्स में और स्टेटिस्टिक्स में मैंने कोर्सेज डेवलप किए हैं, मेरा एक कोर्स है जो इस वक्त मैं काफ़ी 10-15 साल से डेवलप कर रहा हूँ, जिसका नाम है रियल स्टेटिस्टिक्स एंड इस्लामिक अप्रोच। लोग सुनी के नाम अचंभे में आ जाते हैं कि भला 2+2=4 में इस्लाम का क्या ताल्लुक, मगर ये आइडिया ही हमारे दिल में पैदा किया गया है कि देर आर डोमेन्स ऑफ नॉलेज विच आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ रिलीजन। ये गलत है। अगर हम कह रहे हैं कि अच्छा 2+2=4 तो कहेंगे ये बात हम क्यों सीख रहे हैं, दरअसल बात ये है कि हमें सिखलाया गया है कि स्टैटिस्टिशियन जो सिर्फ नंबर्स को एनालाइज करके दे देगा और बाकी जो इस एनालिसिस से किया जाता है वो जानवर उसके काम जाए। हम कहते हैं कि ये सेपरेशन हम भूल नहीं करते, हम कहते हैं कि पूरी चीज़ तुम्हें देखनी है, अगर तुम एक चीज़ का यानी तुमने वो टैक्स डिपार्टमेंट के लिए स्टडी की जिसके जरिए से वो लोगों से ज़्यादा टैक्स निकालेंगे, अब तुम इसके जिम्मेदार हो ये समझने के लिए कि क्या ये फ़ायदे की चीज़ है या नुकसान की चीज़ है। हम ये फ्रेगमेंटेशन पार्टीशनिंग इसको कबूल नहीं करते, इसके मान ये है कि हमें सारी नॉलेज को एक साथ देखना है, इसके लिए बहुत सारे हमें वो डब्बे जिनमें हमें बंद किया गया उससे निकलना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में ये चीज़ है कि ये वो टीचर्स थी जिन्होंने 1400 साल पहले एक रेवोल्यूशन ला दिया, आज भी उस इन टीचिंग में यही ताकत है, मगर हम लोग अफसोस के उसकी तरफ देख ही नहीं रहे। जैसे अल्लाह ताला कहते हैं वो जवाब शिकवा में कह रहा है अखबार भी के हम तो माइल में कर्म है कोई साहिल ही नहीं राह दिखलाएं किसे रह रहे मंजिल ही।